हाँ भाई, क्या खबर? इतने दिनों बाद याद किया मेरे को। सब बढ़िया भाई, तुम बताओ। बस चल रहा है, तुम्हारी कृपा है। बताओ कैसे फोन किया। मैं क्या कर रहा था, जाएगा किधर भाई? यहाँ। अबे इतने दिनों बाद कॉल किया, फिर वही सब बातचीत। ठीक है यार, बताओ क्या, बता कहाँ जाएगा? सोच रहा था मेरे बिल्ली के लिए कुछ शॉपिंग कर लिया जाए। कौन सी बिल्ली भाई? अरे यार बिल्ली यार, मेरे बाइक। वैसे बोलो ना भाई, कुछ सुन लेता आसपास में तुम्हारा भी क्या सोचता। कहाँ जाएगा? कहाँ चलते हैं अपना मोटो मोड़, गुड़िया के उस तरफ। हाँ ठीक है चलते हैं। अच्छा मैं क्या कह रहा था, निकलेगा कब? अभी अभी बारिश भी आने वाली है। काम कर, जल्दी से आ जा मेरे घर। एक बार रेडी वेडी होकर आ जा, मैं भी यहाँ से रेडी होता हूँ, एक बार हम यहीं से निकल जाएंगे। चल ठीक है ठीक है, लेट मत करो, आ जा आधे घंटे के अंदर। आ जा आधे घंटे में मिलते हैं। अच्छा जल्दी फोन रखते हैं, बाय। It's my life, it's now or never, but I ain't gonna leave for it. सत श्री अकाल। तो नमस्ते सारे, स्वागत है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो आप लोगों ने जैसे कि देखा, हम लोगों को कॉल आ गया एक बहुत ही पुराने मित्र का। ये मित्र हमारे बने थे क्लास 11 और 12 में, जब मैं पढ़ता था तो स्कूल में हमसे इनसे दोस्ती हुई थी। और इन्होंने अभी ली है नई नवीली बिल्ली। बिल्ली से इनका मतलब है कि MT-15। और ये अभी मेरे को कह रहे हैं कि ये जाएंगे एक्सेसरीज लगवाने। एक्सेसरीज लगवाने भी क्या, ऐसा नहीं कि पहले से मेरे को बता के रखे। अभी मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि अभी चलो। ठीक है यार, मतलब जोश बोलता है, जोश काफी है, वो एक अलग सीन है। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे सबसे पहले गोड़िया, वहीं से मैं बहुत को अपना कुछ एक्सरसाइज लेकर, वहाँ पे हर एक एक्सरसाइज अवेलेबल होता है। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके सबसे पहले उठाएंगे कुछ एक्सरसाइज, जैसे और क्या क्या लेने वाले हैं हम लोग, मैं आपको वो भी बता दूँ। हम लोग लेने वाले हैं क्रैश गार्ड बैंडिडॉस का, उसके बाद रेडिएटर ग्रिल, लेवा गार्ड, उसके साथ साथ एक विंडशील्ड। ये चार एक्सेसरीज हम लोग लेंगे वहाँ पे जाके, वहीं पे इंस्टॉल करवाएंगे और आके आ जाएंगे। और मैं बता दूं कि आज हम लोग फलक पे क्यों, मेरी माया कहाँ है। माया आज घर पे, ये भैया आए थे अभिषेक भैया, तो अभिषेक भैया आए थे तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जब आए हो तो एक ही बाइक में निकल जाते, फिर क्या दोनों बाइक निकालना। तो वही हो रहा है सीन ये। तो आज हम लोग इसलिए जाएंगे फलक पे, और MT-15 जो है वो है हमारी BS6। और सर जी ओके, MT-15 जो है वो BS6 जो अभी आ रही है। सबसे पहले निकलना है तो चाय वगैरह पी के निकलना बहुत ही मस्त है, क्योंकि बिना चाय का कुछ सब कुछ अधूरा होता है। चाय पी के टाटा से मिलेंगे रोड पे। और बहुत दिनों से ऐसे इनएक्टिव रहने के लिए मैं थोड़ा सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि घर का सिचुएशन कुछ खास अच्छा था नहीं, तो उसके लिए जरा से मेरे को माफ कर दीजिएगा। और आज अपने साथ डेमो भाई नहीं है, क्योंकि डेमो भाई गए हैं कुछ काम से। अबे भाई 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 पॉल्यूशन। तो चलिए काम करते हैं, आप लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं चाय के दुकान पे। तो तौसिफ सर और धीरज सर, ये रहे हमारे दो पुराने मित्र जिनके बारे में मैं कह रहा था। और ये रही हमारी MT, और आज MT को बिल्कुल सजा के आएंगे। तो यामा आज तो बजाज की कुछ ऐसे बाइक है नहीं, माया है यहाँ पे, यामा की दो बाइक है FZ25 और MT-15। अभी तक इतना दिन हो गया बाइक लिए, अभी तक तो नामकरण नहीं किया बाइक का, दुख लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। तो अभी चाय वगैरह पीना हो गया, ये दुकान बंद था, चाय भी अभी भाई लोग आ गया। और अभी भैया चला लेंगे अपना FZ और मैं चलाऊंगा थोड़ा MT। बहुत दिनों बाद MT-15 हमारी, तो चलो चले निकलते हैं। तो यहाँ तो अभी एक काम करते हैं, डायरेक्ट आपसे मिलते हैं मोटो मोड्स में, और अगर रस्ते में दो चार बातें करनी होगी तो मैं कर लूंगा। और बिल्कुल अचानक से एकदम ऐसा प्लान ना, काफी मजेदार होता है, मैं सही बता रहा हूँ। चलिए आपसे मिलते हैं रास्ते पर, अभी से जल्दी निकले, चलो 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 चलो। तो थोड़ा फ्यूलिंग भी करवाना है, MT में तो फ्यूल है बट FZ पे नहीं है, तो FZ पे फ्यूल अप करवाना है। लेकिन मैं सही बता रहा, मैं पहले भी जब रिव्यू बनाया था इसका, द स्मूथनेस यू गेट ऑन दिस बाइक इज ऑन अदर लेवल, द इंजन रिफाइनमेंट, द स्मूथनेस, हैंडलिंग, गियर शिफ्टिंग, व्हाट एवर यू डू लाइक गियर शिफ्टिंग इन ट्रैफिक एंड ऑल, इट्स टू स्मूथ। जिम कर रहे हो। बस FZ में भी एक ही दिक्कत है, और इसमें भी एक ही दिक्कत है कि मिरर्स मेरे को इसके भी पसंद नहीं है, FZ के भी पसंद नहीं है, दिखता नहीं पीछे ढंग से। इस पर आ जाओ। तो अभी MT भैया का चलाने वाला का मन था, अच्छा चलो चला लो MT, हम FZ चलाएंगे। एक्चुअली भैया थोड़े से लंबे हैं, तो भैया को थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि सिटिंग पोस्ट से थोड़ा सा अपराइट है। तो अभी एक काम करते हैं, आपसे डायरेक्ट मिलते हैं मोटो मोड्स तक, रास्ते पर कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, वरना तो रास्ते का जो हालत है। एक काम करेंगे, आपसे डायरेक्ट जाकर मिलेंगे मोटो मोड्स पे, क्योंकि बेकार का वीडियो मेरे को लंबा नहीं करना है। चलिए अगर बाई चांस कुछ भी होता है रास्ते में तो ज़रूर दिखाऊंगा।
खैर अभी यहाँ पे एक फालतू का सीन हो गया, अभी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, टीसी नंबर है वो लगवाया गया था लेकिन जब धुलवाई दिया था बाइक तब निकल गया था। अभी थोड़ा सा पकड़ लिया हम लोगों को, बात बात किया हम लोगों ने, हम लोगों को कहा कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग फिर से प्रिंट आउट करवा के लगा लो तो फिर हो जाएगा। तो वही वाला सीन, अभी जाना होगा प्रिंट आउट करवाना होगा, उसके बाद फिर निकलेंगे। बैठ थोड़ा सा बेकार का हैरेसमेंट हो गया, अभी जाने के पहले इतने दिन बाद बाइक निकली है उसके ऊपर से अभी ये सब, तो हम लोग अभी सोच रहे हैं रिस्क नहीं लेंगे, अभी यहीं से मैं प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवा के निकाल करके लगवा लेंगे। तो हम लोग अभी आप लोग देखा जैसे पकड़ लिया, तो ये पकड़ लिया अभी लगाया जा रहा है देसी जुगाड़, नंबर प्लेट हम लोग मतलब नंबर करवाए एक प्रिंट, और ये भाई चेहरा दिखाओ, और तो आप लोगों को दिखाते हैं क्या जुगाड़ लगाया जा रहा है। फ्रंट में किसी हाल से एक बढ़िया सा नंबर प्लेट लगवा, नंबर प्लेट टाइप का लगवा दिया, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मतलब लेटर साइज इतना बड़ा बड़ा है ना। ठीक है बढ़िया है, बोले थे इससे अच्छा इंजीनियरिंग कर लेते, बीकॉम पार्टी है भाई। नहीं ठीक है बढ़िया, अच्छा अच्छा गुड, आई लाइक इट, आई लाइक इट। देखो थोड़ा सा बेकार का हैरेसमेंट हो गया और कुछ नहीं, जाने में भी लेट हो गया अपने को, कोशिश करेंगे वहां से जल्दी जल्दी घर वापस आ जाने का, और अगर रास्ते में फिर से पकड़ता है तो मैं आपको दिखा दूंगा कि हाँ भाई फिर से हम लोगों को थोड़ा बहुत पकड़ लिया गया है, अगर नहीं पकड़ता है तो डायरेक्ट आपसे मिलेंगे मोटो मोड्स में, और अगर रास्ते में कुछ भी होता है थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि लेट हो गया और ब्लॉक करते करते निकलूंगा तो थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, हम लोग नहीं चाहते ज्यादा लेट हो, भूख भी बहुत जोर की लगी। चमक रहा है, चमक रहा है, एकदम चमक रहा है, जैसे कि मैंने कहा कुछ होगा तो दिखाएंगे, वरना डायरेक्ट मिलता है मोटो मोड्स पे। तो देखो गोड़िया हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए मोटो मोड़ से, यहाँ पे हाल बस देखो, बस हाल देखो यार, ओ माय गॉड, वेलकम टू मिनी लद्दाख। ठीक है वाटर क्रॉसिंग, ये कोई फाउंटेन वाउंटेन होगा पास में, फाउंटेन सॉरी क्या बोले मैं, कोई झरना वरना होगा पास में, एक देख रहे हो यार, देख रहे हो तुमको कलकत्ता समुद्र का फीलिंग दे रहा है। अरे बहन भाई यार संभल के यार, ओके धीरे धीरे इसे क्रॉस करना है। देख लो कितनी कठिनाइयों और कितने मेहनत के बाद हम लोग जा रहे हैं मंजिल की ओर और आपको दिखा रहे हैं वीडियो, तो यार इस बात पे एक लाइक तो बनता है, बनता कि नहीं बनता है, जरूर बनता है यार, प्लीज थोड़ा सपोर्ट अपोर्ट करिए, बहुत जल्दी 1K की तरफ पहुंचने ही वाले हैं, प्यार बनाए रखिए और हम लोग ऐसे पानी के बीच से, बीच में बस गड्ढा ना हो। बस गड्ढा ना हो, गड्ढा ना हो, गड्ढा ना हो, वद्दा वद्दा। What the? काका और 500 मीटर फिर हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन रीच, मोटर मोड्स इज ऑन योर लेफ्ट, सॉरी राइट, आई डोंट नो, ओके ऑलमोस्ट पहुंच गए, बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लास्ट आया था जब मैं अपने बाइक में क्रैश गार्ड, नहीं क्रैश गार्ड नहीं है, हेलमेट मेरे को याद नहीं ढंग से, शायद से हाँ क्रैश गार्ड, क्रैश गार्ड जब मैं बाइक में क्रैश गार्ड लगवाया था तब, नहीं तो हुआ करता था, हाँ ये रहा। Destination is on the, अबे हो जा, नहीं कोई नहीं, एक बढ़िया ग्लव्स लेना होगा यार, आप लोग सब्सक्राइब करो तब जाके लेंगे बढ़िया ग्लव्स। फोन करेछिलाम एमटी एक्सेसरीजের জন্য, ক্র্যাশ গার্ড ছিল, লিভার গার্ড, রেডিয়েটর গ্রিল, আর তার সাথে একটা উইন্ডশিল্ড ছিল মেটালের। ঠিক আছে কাম করতে আবি তো ভাইয়া হ্যাঁ নেই ভাইয়া গায়ে খানে ভাইয়া আ যায় उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे, क्या ले रहे नहीं ले रहे सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो मोटो मोड जैसे कि आप लोगों ने देखा हम लोग गए पहुंच, और यहां पे हम लोगों ने खरीदना हो गया, क्या क्या खरीदे जरा बता दीजिए, रेडिएटर ग्रिल दिखा दे आपको, लिंक दे देंगे बाद, ये रहा रेडिएटर ग्रिल, और लिया है हम लोगों ने एक क्रैश गार्ड, अपने को लीवर गार्ड नहीं मिला, वाइजर सामने का वाइजर एक्चुअली था लेकिन कलर पसंद नहीं आया अपने को, वो एक सीन है। अभी यहाँ से हम लोगों को जाने का प्लान हो रहा है वेलिंगटन, जो क्या हो गया 13 या 18 किलोमीटर दूर, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर वेलिंगटन, वहाँ से फिर घर भी बहुत दूर बाकी है, और यहाँ पे क्रैश गार्ड लगवाएंगे और रेडिएटर ग्रिल लगवाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने पहले एक ड्यूक 250 ऑलरेडी घुसी हुई है, हिमालयन खड़ी है, उसके बाद अपनी बाइक आपको दिखाते हैं।
और ये ड्यूक हिमालयन, और ये मेरे को ये ऐसे गराज कम थोड़ा सा रिजॉर्ट ज़्यादा लग रहा था। वैसे होटल वोटल पर आए घूमने वूमने ऐसे आए, और वो दिखा देते पीछे आपको ये रहा अपना, ये तो मेरा घर है। पार्क में भी आके हम लोग बैठे हैं और भूख बहुत जोरों की लगी है। यहाँ पे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, शायद एक घंटा लग जाए। उसके बाद जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे, खाने पीने के बाद फिर जाएंगे विलिंग। तो ठीक है, एक बार ये लगाना शुरू हो, ये लगाना मतलब क्या क्रैश गार्ड लगाना शुरू हो तो ठीक है, एक बार क्रैश गार्ड व्रैश गार्ड काम हुआ अपना बाइक के शुरू हो, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली एक से डेढ़ घंटे वेट करने के बाद अपना नंबर आ ही गया। हिमालयन खड़ी थी सामने, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस हैंगर लगवाना था, वो लगवाने में लग गए एक घंटा, ऑलमोस्ट एक घंटा। बाइक कहाँ पे किस पोजीशन में आपको वो भी दिखा देते हैं। गुड, अभी आ जाए फिर एक बार काम शुरू हो गया, फिर आपको दिखा दें। क्रैश गार्ड लगाना हो गया, आपको बाहर निकल के एक बार अच्छे से दिखाते हैं। ऐसे अंधेरा हो गया, बोल के दिखा नहीं पड़ा, बट फिर भी मैं आपको दिखा दिया कैसे क्या लग रही है। और मेरे से जवान लड़का जैसे समझ लो बहुत थक गया, अभी जाना है यहाँ से वेलिंगटन, वहाँ से फिर घर कुछ खाएंगे पिएंगे, चलिए मिलते हैं वेलिंगटन। Eventually. तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग जाएंगे वेलिंगटन, तो हम लोग वेलिंगटन गए तो थे, लेकिन मैं रात का आपको फुटेज क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि रात को फुटेज बढ़िया नहीं आता, बिल्कुल थक गए थे और स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम था और इतना कंजेस्टेड एरिया था, मैं वहाँ ढंग से वीडियो बना नहीं पाता। तो हम लोगों ने क्या किया, वेलिंगटन से हम लोगों ने उठाया एक विंडशील्ड और साथ ही साथ में उठाया एक लीवर गार्ड। तो मैं लीवर गार्ड और विंडशील्ड का वीडियो मैं अलग से आप लोगों को दिखा दूंगा बिल्कुल बढ़िया से। और अभी वापस से मेरा भाई आ रहा है, तो वो एक बार आएगा तो मैं एक बार आपको सुबह को भी दिखा दूंगा कि कैसी लग रही है हमारी बाइक और नहीं लग रही है क्रैश गार्ड और रेडिएटर ग्रिल लगाने के बाद। ये वाला वीडियो यहीं तक ही एंड करते, अभी भाई आएगा, भाई से जाकर मैं मिलूंगा और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसी क्या लग रही है हमारी बाइक, उसके बाद करते फिर वीडियो को एंड। तो जैसे कि हमने कहा धीरज भाई का इंतजार था और धीरज भाई आ गए। तो धीरज भाई मेरे को सबसे पहले एक बात बताओ, उस दिन घर पे जाके क्या डांट पड़ी, मार पड़ी, पापा ने क्या किया? 8 बार जो कॉल आ गया था, पापा ने क्या किया? क्या हल कर दिया? जरा दुख भरी दास्तान सुनाओ। ये दुख का खत्म नहीं होता बे, कुछ बोलोगे? मैं शब्द नहीं है भाई के पास, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, मैं रात को तो उस दिन आपको ढंग से दिखा नहीं पाया था, अभी आपको दिखा देते हैं कि कैसी लग रही है अपनी क्रैश गार्ड रेडिएटर ग्रिल। तो ये रहा अपना क्रैश गार्ड अपने बाइक पे, वो रहा उसका फ्रेम स्लाइडर, फ्रेम स्लाइडर काफी निकला हुआ है। क्रैश गार्ड एटलीस्ट आपका इंजन और ये वाला पोर्शन प्रोटेक्ट कर देगा। अब डिपेंड कर देगा, 60 में अगर गिरेगी बाइक तो भी फिर भी प्रोटेक्ट कर देगा। अगर आप लोग सोचोगे कि क्रैश गार्ड लगा लिया, अब इसको लेके हम लोग 100-120 भागेंगे, तो अफकोर्स नहीं करने वाला। आपको एक बार रेडिएटर ग्रिल भी दिखा दूं, ये रहा इसका रेडिएटर ग्रिल, अभी स्लीक है, देखने में काफी सुंदर लग रहा है। आपको 360 व्यू भी दे देते, रोड के बीच में बाइक खड़ी है। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जो दो चीज लगवाने, एक हो गया इसका विंडशील्ड और एक हो गया लीवर गार्ड, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो कर दिएगा लाइक, थोड़ा ज्यादा पसंद आया तो कर दिएगा शेयर, और बहुत ज्यादा पसंद आया तो कर दिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, मिलते फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।